दोस्तों ये कहानी बिल्कुल आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन फिल्मी नहीं है, बिल्कुल सही कहानी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सविता प्रधान जी हैं, वर्तमान में पीसीएस अधिकारी हैं, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी और शुरू से लेकर अंत तक इनका जो जीवन रहा वो संघर्षों से भरा रहा। विवाह भी हुआ, मतलब कि सकल सूरत देखकर और पढ़ाई लिखाई देखकर एक अमीर परिवार ने इनसे शादी का प्रस्ताव भेजा। परिवार वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, लड़की जो है वो पैसे वालों के घर जाएगी, तो इन्होंने शादी कर दी। लेकिन ससुराल में इनके साथ बहुत ही भेदभाव किया गया, खाने की मेज पर बैठने नहीं दिया जाता था। दो बच्चे हुए दोनों को, और साथ ही साथ इनको भी प्रताड़ित किया जाने लगा, भोजन तक नहीं मिलता था। खाने के बाद, मतलब जब सब लोग खा लेते थे उसके बाद जो कुछ बचा खुचा होता था वो इनको मिलता था। कई बार अपने बच्चों को खिलाने के लिए बाथरूम में लेकर जाती थी। अगर बचपन से देखा जाए तो बचपन भी इनका गरीबी में बीता, लेकिन जब तक मायका रहा तब तक सब कुछ ठीक रहा। माँ बाप जो थे गरीब जरूर थे, सविता जो थी पढ़ने में अच्छी थी, गांव में ही इनकी बेसिक लेवल की पढ़ाई हुई। लेकिन जब इन्होंने इंटर करना चाहा तब 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल था जहाँ पर ये बस से आया जाया करती थी, 2 रुपये भाड़ा लगता था, उसको बचाने के लिए 7 किलोमीटर ये पैदल जाती थी और पैदल आती थी। अब विवाह के बाद जो स्थिति बनी वो भी बहुत ही खतरनाक बनती गई, इतनी खतरनाक बनती गई कि एक दिन इन्होंने सुसाइड करने के बारे में निश्चित कर लिया। बाथरूम में ये सुसाइड करने जा रही थी तो इनकी सास इनको देख रही थी, लेकिन उसने इनको बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। सेम टाइम पर इनका जो बेटा था छोटा वाला, उसको घर वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो ये बाथरूम से बाहर आ गई और इन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए हम अपनी जान क्यों दें। और इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली आईं, कहाँ मायके नहीं आईं, मायके की जगह पर आ गईं, लेकिन अपना जो गुजारा भत्ता था वो ट्यूशन और कोचिंग करके पूरा करने लगी। आपको बता दें कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से इन्होंने बीए में टॉप किया था और फिर एमए किया इन्होंने, फिर आगे चलकर इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने के बारे में निश्चित किया कि एमपीपीसीएस देंगे। तो प्री क्रैक हो गया, कोई पंडित जी मिल गए, उनको हाथ दिखाया, पंडित ने कहा कि लड़की जो है सब कुछ बन सकती है लेकिन सरकारी नौकरी तो इसकी ज़िंदगी में नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने मेंस की तैयारी की, मेंस को क्रैक किया और आज पीसीएस ऑफिसर हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है सविता जी से सीखनी चाहिए। संघर्षों में अपना जो उत्साह है उसको बनाए रखें, मन टूटे फिर भी खड़ा रहें। दूसरी बात यह है कि आपको जीवन में दूसरों से जितनी अधिक आप अपेक्षा करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा, सारी सहायता आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सफलता को सजा के आपको थाली में दे देगा, आपको जो कुछ करना है स्वयं करना पड़ेगा। वो हिम्मत आपको अपने अंदर लानी ही होगी जिसके भरोसे आप इस दुनिया को जीतने निकले हैं। तो फिलहाल सविता जी के इस जज्बे को तो मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आपकी स्थितियाँ, आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सविता जी से सीखिए, आगे बढ़िए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। भगवान ने आपको शरीर दिया है, मन दिया है, दिमाग दिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था हिटलर का, उसमें मतलब बहुत ही बुरी स्थिति होती थी, लेकिन फिर विक्टर फ्रैंकल जो कि एकमात्र व्यक्ति थे जो कि कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बचकर निकले थे, उन्होंने एक बात कही थी कि लोग आपके शरीर को कैद कर सकते हैं, उसे नंगा कर सकते हैं, उसे पीट सकते हैं, लेकिन आपके विचारों को कैद नहीं कर सकते और आपके जो विचार हैं स्वतंत्र हैं। अगर आपके विचार किसी लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो स्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो वो रास्ता निकल ही आएगा। तो फिलहाल देश की जो ऐसी शख्सियत हैं इनको मेरा नमन है। देखो फ्रेंड्स, बात यूपीपीसीएस की हो, आरओआरओ की हो, कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो उसकी हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रयास हमारे व्यर्थ चले जाते हैं, हमारा प्री तक क्लियर नहीं होता और हमारे मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ रह जाता है कि आखिर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 बार यूपीपीएससी प्री क्रैक करने वाले शख्स ने एक चीज़ बताई है, जो गलती प्राय वो अभ्यर्थी करते हैं जिनका प्री नहीं निकलता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 9 से 10 लाख अभ्यर्थी प्री में बैठते हैं, जिसमें से मात्र 15,000 के आसपास या इससे भी कम कह लीजिए क्वालिफाई करते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि आपका आरओ का हो गया, तो इसमें लगभग 6,000 अभ्यर्थी जो हैं वो प्री को क्रैक करेंगे मेंस के लिए, ठीक है।
तो कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो पिछले प्रयासों में इंटरव्यू और मेंस तक पहुंचने के बावजूद प्री में मात खा जाते हैं। 7 बार UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने वाले कुड़ाल आर विरुलकर ने बताया कि प्री में फेल होने की बड़ी वजह यह है कि अभ्यर्थी सभी प्रश्न पढ़ने के बाद OMR शीट भरते हैं। मतलब कि जब आप प्रश्न आता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, चारों विकल्प पढ़ते हैं, उसके बाद आप आंसर को सिलेक्ट करते हैं, तो आपका बहुत सारा समय निकल जाता है। लास्ट टाइम में आपके पास समय नहीं होता है और तब आप कुछ प्रश्नों में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो उन्होंने एक्स पर बताया है ट्वीट करके कि उम्मीदवार UPSC हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें सफल होने के लिए आपको क्या करना है कि समय की कमी जिस वजह से होती है उसको दूर करना है। लाइक एज यहाँ पर जो गलतियाँ लोग करते हैं, जैसे कि आपको जो है ना मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से आपको क्या लगता है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है और थोड़ा सा समय ही आपको लगेगा सही उत्तर तक पहुंचने में, ठीक है। तो गोला भरने के बाद उस प्रश्न को भूल जाएं, ये तरीका प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को करते वक्त आपकी मैनुअल त्रुटियों को कम कर सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस करें MCQs की, PYQs की और टेस्ट लगाएं, तो निश्चित रूप से आपका जो समय है वो प्री में प्रश्नों को हल करते समय काफ़ी कम होगा और आपका जो प्री है वो आसानी से निकल जाएगा। ये ट्रिक उन्होंने बताई है कि OMR को कैसे भरें, ठीक है। महाराष्ट्र के कुड़ाल आर विरुलकर ने हाल ही में UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का अपना ग्राहम अटेम्प्ट दिया, 7वीं बार मेंस एग्ज़ाम दिया। इसके पहले के 10 अटेम्प्ट में वो 6 मेंस और 4 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने प्री को कैसे क्रैक किया है। और बिहार सरकार के मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 69,692 लगभग 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। 6 अक्टूबर को राज्य शिक्षा विभाग के एक लेटर में 69,692 शिक्षक भर्तियों के संबंध में अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मांगी गई। राज्य अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC अब बहुत जल्द जो है नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में बिहार कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के लिए लगभग 70,000 शिक्षकों की मंजूरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो राज्य शिक्षा विभाग ने सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज और सैलरी सहित नए TGT और PGT शिक्षक भर्ती को अंतिम रूप भी दे दिया है। 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद हैं, 9 से 10 तक के लिए 18,880 पद हैं, 11-12 के लिए 69,692 पद हैं। तो ऑल ओवर तो संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल अभी वैकेंसी आने वाली है इसमें लगभग 70,000 के आसपास पद रहेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द जो है आपको जो है सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। चैनल पर अगर आप हैं तो बने रहिए और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत जरूरी चीज़ें आपको शेयर की जा रही हैं, आप बिल्कुल चूक रहे हैं। और देखो UPSSC PET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली GS बूस्टर की जो डोज है वो दी जा रही है ओनली GS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका ही अपना चैनल है। तो 10 मिनट GS बूस्टर्स डेली के लिए इसको ज़रूर ज्वाइन करें, डेफिनेटली इससे आपका जो स्कोर है वो औरों से और बेहतर रहेगा। करंट अफेयर के लिए मई से लेकर सितंबर तक का जो करंट है उसको अच्छे से पढ़ें। आज से करंट का जो मई से लेकर सितंबर तक का जो करंट है उसकी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ें। और अगर RO की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे साल का करंट पढ़ें, यानी कि कम से कम आप जनवरी से स्टार्ट करें और एग्ज़ाम के एक महीने पहले तक का जो करंट है उसको पढ़ें, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी क्या है, जी हाँ, ये जो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है ना, ये आपका वेट कर रहा है, उसको एक बार प्यार से छू देना। थैंक यू।